आज हम लोग छत पे सारे लोग पिकनिक कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कहीं बाहर नहीं गए हैं। घर में सारे लोग जो भी फैमिली के हम लोग कोलकाता से हैं और यहाँ खड़गपुर में भी हम लोग पिकनिक का मतलब सारे फैमिली लोग साथ में कर रहे हैं। शॉपिंग वगैरह चल रहा है, सब्जी वगैरह है, मटन यहाँ पे है और नानी वहाँ पे दीदा वहाँ पे टमेटो काट रही है पीछे में। यहाँ पे बड़े मामा मैरिनेट कर रहे हैं, वहाँ पे छोटे मामा पकोड़ा के लिए साइज छोटा कर रहे हैं। मामा की क्वेश्चन अच्छा, इटा पकोड़ा बनाना होगा ना, इटा पकोड़ा ये भी मैरिनेट करके मटन वहाँ पे रख दिए मटन कोसा के लिए और वहाँ आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक। कहीं ना कहीं मतलब ये न्यू ईयर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। हम लोग क्या सोच के रखे हैं, क्या करने वाले हैं न्यू ईयर में, ये एक पर्सनल वीडियो हम बनाएंगे अपने स्टूडियो में बैठ के। तो अभी फिलहाल ये ब्लॉग चैनल है हमारा, तो अभी हम लोग ब्लॉग में आपको हम दिखा रहे हैं अपना जो कि हम लोग आज होने वाला है हमारा जनवरी में। ये हम लोग का सेकेंड जनवरी है, फर्स्ट जनवरी को हम लोग पूजा करने के लिए गए थे मंदिर पे, तो हम लोग नॉनवेज उस दिन नहीं खा पाए। तो आज हम लोग इसलिए सारे लोग यहाँ पे हैं, छत पे ही हम लोग कर रहे हैं, कहीं गए नहीं है क्योंकि ओमिक्रॉन जो है मतलब जो कोविड है वो बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, तो उसको नज़र में रखते हुए हम लोग कहीं पर भी भीड़ भाड़ एरिया में नहीं गए हैं क्योंकि इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो उस चीज़ को मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कहीं भीड़ भाड़ जगह में मत जाइए, इन्जॉय करना है तो फैमिली के बीच में इन्जॉय कीजिए, वो भी एक हम लोग इसी में कर रहे हैं, खाना पीना ही है तो यहीं पर हम लोग करने वाले हैं। तो ब्लॉग को आखिर तक एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पे इधर पीछे में हम लोगों का मटन बनाने का काम हो रहा है जो कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में, और अभी यहाँ पे मटन के लिए मसाला रेडी हो रहा है हम लोगों का। और इधर जो बड़े मामा जी हैं उधर वो बना रहे हैं। अभी हमारा ये पत्ता गोभी का जो है वो हम लोग का सब्जी बन चुका है और अभी मामा जी इसको मटन बनाने वाले हैं, चिकन बनाने वाले हैं उधर। तो सारे लोग एक दूसरे के काम में बिजी हैं और उधर गॉसिप चल रहा है मम्मी लोगों का सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे पूछूं तेल निकाल रहा है बोतल में, तो बस। और मैं घूम रहा हूँ, मैं फिलहाल कुछ कर नहीं रहा हूँ क्योंकि सारे फोन्स कॉल भी अटेंड करना हो रहा है, साथ साथ काम भी हो रहा है, आप लोगों का फ़ोन आ रहा है तो फ़ोन भी अटेंड करना हो रहा है। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि मुझे मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, फोन क्या कर रहे हैं उनके हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ।
अभी हो गया हम लोग का खाना पीने का, सारा कुछ रेडी हो गया है। लाडो किधर गई? लाडो यस, तुम लेगी, तुम से हेलो बोलो, हेलो, यहाँ पे देख के बोलो हेलो, से हेलो, से हेलो, से हेलो, से हेलो, से हेलो। हाँ अभी वो दिखा रही है कि अभी एक्चुअली हम लोग का जो है सारा खाना बनाना हो गया है और मैं अभी नहा लिया हूँ, स्नान कर लिया हूँ। स्नान करने के बाद अभी मैं थोड़ा रेडी हो रहा हूँ। लाडो मेरे को कैमरा करने नहीं दे रही है, वो भी करेगी। जी बोलिए, हाँ क्या बोलना है? हाँ तो अभी यहाँ पे आ ना बेटा, भुकुट है, भुकुट पूछे मैं वहाँ पे खेल रहा है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दे रहा हूँ। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? जो 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 कच्चे जो कच्चे आई लाडो से ना देख के बोलो हाय गाइस, हाय गाइस कैसे हैं, से कैसे हैं, तो लाडो भी ब्लॉगिंग करेगी। लाडो अभी मेरे से माउंट मांग रही है, कैमरा मांग रही है कि उसको भी वीडियो बनाना है, और वो गुस्सा करके भाग गई है वहाँ पे। तो अभी मामा जी यहाँ पे पकोड़ा छाक रहे हैं जो कि मटन पकोड़ा है, और अभी मैं जो चिकन टेस्ट किया वो विसम काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा लगा खाने में। तो फिर अभी हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली सारा कुछ हो गया है खाना बनाना, तो अभी जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा ओके वीडियो में। पकोड़ा, चिकन पकोड़ा खा चुके थे, अभी मटन पकोड़ा का टेस्टिंग चल रहा है। तो अभी ये आप देख सकते हैं, और मामा यहाँ पे दे रहे थे, तो अभी इसको मैं टेस्ट करता हूँ और कैसा बना है वो देखता हूँ। लास्ट मेरे ही पास और किसी के पास नहीं। ऐसा खा रही है, मटन पकौड़ा खा रही है। ये वाला प्लेट खाली हो गया है, तो ऐसा का जो पहले लेके रखी थी वो अभी खा रही है। मुझे पता था खाली हो जाएगा। तो अभी जो है हम लोग का पिकनिक का जो टाइम है, जैसे कि आप देख रहे हैं सारे लोग खा रहे हैं, और मेरा खाना हो गया है, ऐसा का खाना हो गया। उम्मीद करता हूँ कि जो ब्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे प्यारे प्यारे फैमिली ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। और साइट पर भी अगर होगा तो मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा,
तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ब्लॉग जो है वो 10 से 15 मिनट का हो चुका होगा मेरे ख्याल से, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा कंपोज करने का, मतलब थोड़ा छोटा करने का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं आप लोग से एक सीरियस टॉपिक में बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ अभी जो है कोविड का जो सिचुएशन है वो बढ़ रहा है, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया में मत जाइए। इसी का रीज़न है कि हम लोगों ने अपने छत पे ये जो है पिकनिक का प्लान किया है, कहीं हम लोग बाहर नहीं गए हैं और जाना भी नहीं चाहिए अभी आप लोगों को। मैं जो भीड़ देख रहा हूँ तो उस भीड़ से आप बचिए, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन का जो एक वेरियंट है वो काफ़ी ख़तरनाक है और अभी हमारा इंडिया में फिर से बढ़ रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका काम, आपका बिजनेस, आपका जो इनकम है वो चलता रहे, तो आपको इस चीज़ से बचना होगा, ये भीड़ भाड़ जगहों से बचना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये भीड़ भाड़ जगहों से बचेंगे। और मास्क का हमेशा यूज़ कीजिएगा, कहीं पर भी अगर आप बाहर निकलते हैं तो प्लीज़ आप मास्क का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो बस आप लोग हमारे फैमिली हैं, इसलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि प्लीज़ आप लोग मास्क का यूज़ कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों इस ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय, जय हिंद।